ऑल ऑफ यू, हम अपना लेसन करेंगे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। पेज नंबर है हमारा 55। हमने इसमें 10 तक कर लिया था, आगे करते हैं। एपरेटस यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क। अगर आपको दूध की शुद्धता जांचनी है तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? आप यूज़ करेंगे लैक्टोमीटर का। ओके, नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड मोटर बोट्स। आपको अगर स्पीड जानी है एरोप्लेन की या मोटर बोट्स की, तो उसके लिए आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना चाहिए? आपको यूज़ करना चाहिए एरोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेस। अगर आपको एयर और गैसेस का क्या करना है, वेट मेजर करना है। सॉरी सॉरी क्लास, एरोप्लेन्स और मोटर बोट्स वाला तो आपको मैंने, आपका 12 का ये नहीं होगा, एरोमीटर नहीं होगा, 12 का आपका टैकोमीटर होगा। ओके, 13 इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेट एंड डेंसिटी ऑफ एयर एंड गैसेस। अगर आपको एयर और गैसेस के क्या करने हैं, वेट करनी है डेंसिटी को, ठीक है, वेट करना है या डेंसिटी निकालनी है एयर या गैस की, तो आप क्या करेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे? एरोमीटर। ओके, नेक्स्ट है 14 इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट। अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो कर रहा है तो उसको मेजर करने के लिए आप कौन से डिवाइस का यूज़ करेंगे? एमीटर। ओके, नेक्स्ट है 15 इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ अ विंड। अगर आपको हवा के फोर्स का पता लगाना है और वेलोसिटी का, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे आप? आप यूज़ करेंगे एनीमोमीटर। अगर आपको क्या करना है, फोर्स और वेलोसिटी जाननी है हवा की, तो नेक्स्ट है कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू रेगुलेट द टेम्परेचर टू अ पर्टिकुलर डिग्री। अगर आपको टेम्परेचर पता लगाना है तो उसके लिए आप थर्मोस्टेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, मतलब रेगुलेट करना है आपको किसी पर्टिकुलर डिग्री पर, तो आप थर्मोस्टेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो आपके एटमॉस्फेयर का प्रेशर आपको बताए, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताए, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे आप? ऐसा आप यूज़ करेंगे बैरोमीटर। ओके, जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताएगा। चलिए क्लास, अभी हम इतना ही करेंगे, आगे के जो लेसन्स हैं उन्हें हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। आपको इसे लर्न करना है और साथ में इसे फिल भी करना है। ओके, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें।